प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शैला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया अली खान जी, जो कि ना सिर्फ बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत पे बल्कि आज पाकिस्तान को भी उधेड़ के रख देंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। तो फिर यहूदी को काटो, तो फिर देवबंदी को काटो, तो फिर बरेलवी को काटो, आपका काम और मुसलमानों का काम काटना मारना और बलात्कार करना ही है। मुसलमान पुरुष मुसलमान मर्द तीन औजार के साथ घूमते हैं, एक पैंट के जिप में औजार होता है जिससे वो बलात्कार करते हैं, एक जुबान में औजार होता है जिससे वो गाली गलौज करते हैं, और एक औजार जो आपके पाकिस्तान से आता है बम गोली बारूद। तीन औजार के अलावा मुसलमानों को आता क्या है? आप न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दीजिएगा, बिका हुआ है आपका। आप अपने पोर्ट की धमकी दीजिएगा, बिका हुआ है आपका। आपके पाकिस्तान का कितना हिस्सा बेच चुका है, आपकी सरकार कितने हिस्सा बेच चुकी है, ये आपको भी नहीं पता होगा। जो पाकिस्तान अपनी बहु बेटियों को हनी ट्रैप करके, हनी ट्रैप जैसा धंधा पे बैठाता है, वो पाकिस्तान पीओके बेचने में कितना समय लगाएगा? पाकिस्तान ने अजमल खसम बनाया, पाकिस्तान ने हाफिज सईद बनाया, पाकिस्तान ने यासिन मलिक बनाया, पाकिस्तान ने याकूब मेमन बनाया, पाकिस्तान ने लश्कर ए तैयबा बनाया, पाकिस्तान ने अलकायदा बनाया, हनी ट्रैप जैसा धंधा स्टार्ट किया पाकिस्तान ने। और आज देखो पाकिस्तान में जब 23.7% माइनॉरिटी खत्म हो चुके हैं तो आप एक दूसरे को मार रहे हो। लेकिन उस कुरान में 72 वर्जिन हूर पढ़ा है, बांदियां और लौंडियां पढ़ा है, उस कुरान में काफिरों को मारने का तरीका पढ़ा है, उस कुरान में इब्राहिम अलैहि सलाम को पढ़ा है कि बुतों को कैसे तोड़ा जाता है, उस कुरान में वायलेंस पढ़ा है, उस कुरान में जंगे बदर पढ़ा है, लेकिन उस कुरान में ह्यूमैनिटी नहीं पढ़ी है, उस कुरान में फर्ज और फराइज नहीं पढ़ाए, उस कुरान में इंसानियत नहीं पढ़ी है। अफगानिस्तान तो आपको उंगलियां नहीं दिखा रहा है, आपको बॉम्ब भी दिखा रहा है। आप किससे किससे माफी मांगिएगा? जो अफगानिस्तान के लोग 40 साल से पाकिस्तान में मुहाजिर बनकर के बैठे रहे, आपने उसको सिटीजनशिप नहीं दिया। आप उसके जमीन जायदाद को हड़प करके, उनकी बहु बेटियों की इज्जत को लूट करके, आप उनको धक्के मार करके निकालते हैं और आप कहते हैं माफी की बात। किससे किससे माफी मांगिएगा और क्या क्या बात की माफी? निहायत ही क्रिटिकल है, सेंसिटिव है, और ये बड़ा ही जरूरी है कि हम इसको ओपनली डिस्कस करें। मैंने पाकिस्तान से ज्वाइन किया है और नाज़िया अली खान, जो कि आपको पता है सोशल मीडिया की जान है, डेली इनके शोज आते हैं, और नाज़िया जी ने मुझे जी भारत से ज्वाइन किया है। सबसे पहले मैम थैंक यू सो मच रमजान में टाइम देने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। रमजान मेरा मजहब है और भारत के रिप्रेजेंटेटिव होकर के बात करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं अपना मजहब और कर्तव्य दोनों निभाती हूँ। हाँ, तो देखिए शो के स्टार्ट में सीखने लायक चीज मिल गई। आज का टॉपिक दोस्तों आपके साथ भी डिस्कस करेंगे, नाज़िया जी के साथ भी डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग द 148th असेंबली ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन हेल्ड इन जेनोवा इन स्विट्जरलैंड, वहां पर पाकिस्तान को भी बुलाया गया था एंड इंडिया को भी बुलाया गया। जब पाकिस्तान के स्पोक पर्सन की बारी आई तो उन्होंने कश्मीर के बारे में कहा कि इंडिया जो है वहां पर कश्मीरियों का जेनोसाइड कर रहा है, वहां पर जी कश्मीरियों के राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं। साथ साथ आर्टिकल 370 कश्मीरियों का एक हक है, उनका स्पेशल स्टेटस है, भारत वो भी उन्हें वापस करे, ये तो पाकिस्तान हमेशा कहता है। लेकिन जब भारत की बारी आती है तो उनके स्पोक पर्सन ने पाकिस्तान को बहुत ही लटारा वहां पे। उन्होंने कहा सबसे पहले पाकिस्तान ये बताए कि उसामा बिन लादेन कहां पर मिला, और दूसरी जानिब उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये भी कहा कि हमारी पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि वो टेररिज्म की जो फैक्ट्रीज है उसको बंद करे। जब जब दोस्तों हमने देखा है पाकिस्तान ने कश्मीर को उठाया है यूनाइटेड नेशन में या जेनेवा की असेंबली में, इंडिया हमेशा एक स्टांस रखता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को बंद करे। नाज़िया जी मेरे साथ मौजूद हैं, लास्ट टाइम हमारी डिबेट में उसामा बिन लादेन का हमने जिक्र किया था। आज इंडिया दुनिया को चीख चीख के बताना चाहता है कि उसामा बिन लादेन तो थे, वो पाकिस्तान में थे। आप कश्मीर को छोड़े, आपके हाथ जो दहशतगर्द है या जो आपके हाथ जो तंजीमें हैं,
आप उनके बारे में बात क्यों नहीं करते? तो नाजिर जी, जब कश्मीर का जिक्र पाकिस्तान की जानिब से होता है तो आप जो है टेररिज्म की बात कर देते हैं दुनिया के सामने, और कश्मीर की तवज्जो सबसे हट जाती है और वो पाकिस्तान को और ज्यादा जो है मेरे ख्याल से प्रेशर का सामना करना पड़ता है। इस पे आपकी राय भी जानेंगे और डिस्कस भी करेंगे कि आखिर भारत क्या चाहता है। भारत तो शांति शांति हमेशा चाहता है। अच्छा, वो पूरी दुनिया को पता है कि भारत इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, सबको पता है, हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। और मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जितना अचीव किया है ये भारत ने कभी अचीव नहीं किया था। ठीक हो गया। 148 असेंबली ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU इन जेनेवा इन स्विट्जरलैंड, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो भारत से बैठे थे उन्होंने, और पीछे में मेरे जेम्स बॉन्ड अजय डोवल जी भी बैठे हुए थे, और उन्होंने अपने सबमिशन के द्वारा ललकार कर पाकिस्तान की पंथियां उखेड़ दी, पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी। भारत की एक संस्कृति है शैला, भारत की एक संस्कृति है, पहले शांति और ना मानो तब फिर क्रांति, और हम इस संस्कृति को हम बहुत बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि भारत की महिलाओं से जब आप बात कीजिएगा ना तो उनको पता होता है कि उनको कब माँ दुर्गा बनना है, कब माँ पार्वती बनना है, और कब माँ काली बनना है, कब माँ लक्ष्मी बनना है और कब चंडी बनना है। ये भारत की महिलाओं को किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, ये उनको खुद पता होता है। अब जो पाकिस्तान के जो बैठे हुए थे लफंदर, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि भाई लश्करे तैबा किसके पास है, ओसामा बिन लादेन किसके पास से पाया गया, अल जिहाद को ऑर्गेनाइजेशन किसके पास है, हाफिज सईद किसके पास है, दाऊद इब्राहिम किसके पास है, TTP जैसा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके पास है, हिजबुल मुजाहिदीन किसके पास है, 28 टेररिस्ट पाकिस्तान की सरजमीन पर कैसे मारे गए, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान इज द लैंड ऑफ टेररिज्म, पाकिस्तान इज द फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप लोगों ने दो डेकेड, आपकी सरकार और एस्टैब्लिशमेंट ने शैला दो डेकेड US को बेवकूफ बनाया, और यूं कह ले रॉ लैंग्वेज में कह दे, बिकॉज एवरीवन नोज दैट आई एम अ वेरी ब्लंट स्पीकर, चू बनाया US को, और पाकिस्तान की सरकार ने US से पैसा लिया दो डेकेड कि अब उसामा बिन लादेन को दे देंगे, अब उसका टिप दे देंगे, अब उसका टिप दे देंगे, और आखिरकार अमेरिका को खुद ही अपना कबूतर भेज करके लाइव दिखाना पड़ा कि देख तेरे ही धरती पर है, तेरे ही पाक सरजमीन पर टेररिस्ट रखा हुआ है। अब बात आती है कि सांच को आज क्या है। देखिए, भारत अब ऐसी दिशा पर पहुंच चुका है शैला जहां पर टेररिस्ट टेररिज्म और टेररिज्म फैक्ट्री की कोई जगह नहीं है। हमारा विजन, हमारा फोकस एकदम क्लियर है। हम बुरहान की मौत को वो मानेंगे जो अभी मैं बोलने जा रही हूं, मर गया मरदूद जिसका फातिहा न दरूद। हम बुरहान की मौत को ऐसा मानेंगे, पाकिस्तान ने बुरहान बनाया, पाकिस्तान ने अजमल खसब बनाया, पाकिस्तान ने हाफिज सईद बनाया, पाकिस्तान ने यासिन मलिक बनाया, पाकिस्तान ने याकूब मेमन बनाया, पाकिस्तान ने लश्कर ए तैबा बनाया, पाकिस्तान ने अलकायदा बनाया, हनी ट्रैप जैसा धंधा स्टार्ट किया पाकिस्तान ने। और आज देखो पाकिस्तान में जब 23.7% माइनॉरिटी खत्म हो चुके हैं तो आप एक दूसरे को मार रहे हो, किसी को शिया के नाम पे मार रहे हो, किसी को वहाबी के नाम पे मार रहे हो, किसी को यहूदी के नाम पे मार रहे हो, किसी को बरेलवी के नाम पे मार रहे हो। तो पाकिस्तान इस्लामिक देश की एक टेंडेंसी है कि उनको मारना और काटना है, हर हाल में है। भारत में जिस हिसाब से बुरहान ने भारत की शांति को भंग करने की कोशिश की, और कश्मीर में उसने जिहाद को उसने सरे आम किया और नंगा नाच किया बुरहान ने, मैं तो उस ऑफिसर को सैल्यूट करती हूँ जिसकी एक गोली से बुरहान छितड़ा गया और खत्म हो गया और सांसें उसकी बंद हो गई। हालांकि भारत के मुसलमानों ने बुरहान की मौत को शहादत का नाम देने का कोशिश किया, भारत के मुसलमानों ने अफजल गुरु की फांसी पर शर्मिंदगी महसूस करने की कोशिश की, भारत के मुसलमानों ने भारत के टुकड़े करने पर इंशाल्लाह के नारे लगाए, भारत के मुसलमान
अजमल कसब के लिए छाती चौड़ी कर करके बहुत उसको बचाने की कोशिश करते रहे, यहाँ तक के कांग्रेस की सरकार ने मुसलमान वकील भी दिया अजमल कसब को कि अजमल कसब के जज्बात को समझ सके। तो अब भारत इस मूड में नहीं है कि आतंकी बलात्कारी और जितने भी नंगा नाच करने वाले हैं, जितने भी खून की नदियां बहाने वाले हैं, जितने भी जेनोसाइड और नरसंहार करने वाले हैं, जितने भी भारत की संस्कृति और सभ्यता और संस्कार को डेविस्टेट करने वाले हैं, उसको भारत बर्दाश्त करेगा, कतई बर्दाश्त। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे नाज़िया खान जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की कि भारत अब पाकिस्तान की हरकतों को नहीं सहेगा, पहले शांति फिर क्रांति, और आपने देखा कैसे नाज़िया खान ने पाकिस्तान को उधेड़ के रख दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से इंपॉर्टेंट लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत।